अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से लाहौर के बाद पूरे पंजाब वालों के लिए खुशखबरी। ई गैजेट्स मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को पूरे पंजाब में मुतारिफ करवा दिया गया है। इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलो आओ देखते हैं। जैसे ही किसी चोरी शुदा सेल फ़ोन की रिपोर्ट दर्ज होती है तो चोरी शुदा सेल फ़ोन का या फिर सिम वाली डिवाइस का IMEI नंबर इस एप्लीकेशन की डेटाबेस में ऐड कर दिया जाता है। तो जैसे ही किसी शॉपकीपर के पास ये फ़ोन सेल होने या फिर रिपेयर होने के लिए आएगा तो शॉपकीपर इस फ़ोन का IMEI नंबर इस एप्लीकेशन में दर्ज करेगा। तो IMEI नंबर मैच होने की सूरत में पुलिस और शॉपकीपर को पता चल जाएगा कि ये फ़ोन चोरी का है या फिर नहीं। अगर चोरी का हुआ तो इस ऐप के ज़रिए फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अगर इसके बेनिफिट की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि चोरी के सेल फोन की खरीदो फरोख्त में वाजिया कमी आएगी, जिससे मोबाइल फोन की स्नैचिंग में भी वाजिया कमी आएगी। और इस ऐप की मदद से किसी भी सिम वाली प्रोडक्ट सेल फोन या डिवाइसेस को भी ट्रेस करना भी आसान हो जाएगा। इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे फोन के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर हम यहाँ पर लिखेंगे ई गैजेट्स गैजेट्स, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूँगा। तो मैं न्यू यूज़र हूँ तो मैं क्रिएट अकाउंट करूँगा। फर्स्ट मैं अपना नेम दूँगा। मैं ऐसे फर्जी नेम और पासवर्ड रख रहा हूँ, आप अपने रियल यूज़र नेम दोगे आप यहाँ पर, और इसमें कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पर पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड में आपने कैपिटल लेटर रखना है और बाकी स्मॉल और एक स्पेशल करेक्टर, इनमें से कोई भी। और रिपीट पासवर्ड यही, और अपना रियल नेम जो भी है मोहम्मद। सेल फोन नंबर आपने अपना मैं फर्जी दे रहा हूँ, आपने जो अपना रियल होगा तो आपने वो देना है। और यहाँ पर पाकिस्तान पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी सी एन आई नंबर, शांति कार्ड का नंबर, और फिर अदर हो तो फिर वो टाइप्स वगैरह आ जाएंगे उसकी, उसी हिसाब से करना होगा। और पाकिस्तानी और शॉप नेम फर्जी जो भी है, फर्जी मैं अभी रख लेता हूँ। शॉप नेम देनी है यहाँ पर, मार्केट नेम देना है यहाँ पर आपने, कौन सी मार्केट में आपकी शॉप है वो एड्रेस, और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस पर आपको बाद में पिन आएगी, ठीक है ना, वो पिन आप दोगे लाजमी जब आप साइन इन करोगे। तो कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और बाद में पिक्चर देख के साइन अप कर देना, ठीक है। इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा। कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट्स में बता दो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो मेरा ने ऑलरेडी किया हुआ तो मैं डायरेक्ट साइन इन नहीं करता हूँ। यूज़र नेम में जैसे आपने वो दिया था, यूज़र नेम देना है आपने यहाँ पर, मिट जाएगा। यहाँ पर मैंने यूज़र नेम दे दिया है और मैं पासवर्ड दूंगा, ठीक है। अब आपने कस्टमर का, जब आपने परचेज़ करना है सेल फ़ोन, ठीक है, यहाँ पर कस्टमर का नेम लिखना है, सेल्फ नंबर देना है, फ़ोन का नंबर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर CNI शनाख्ती कार्ड का नंबर देना है, और मॉडल नंबर IMEI और डेट जब आप परचेज़ कर रहे हो। अगर आप इसको सेल फोन को सेल कर रहे हो तो फिर आपने क्या करना है, कस्टमर का नेम, सेल फोन नंबर, CNIC नंबर, वो है सेम चीज़ें, ठीक है ना,
और कमेंट्स, कमेंट्स में आपने कुछ भी लिख सकते हो कि मैंने ये इसको इस बंदे को सेल किया है सो ऑन। अगर वो रिपेयर के लिए कोई सेल आया है आपके पास तो वो भी इसका भी इंदराज ऐसे ही करना है। कस्टमर नेम, सेल फोन नंबर, CNSI नंबर और यहाँ पर अदर डिवाइसेस, अगर आपके पास टैबलेट आता है तो आपने टैब वगैरह पर के लिए अदर करना है, अगर मोबाइल फ़ोन आता है तो फिर मोबाइल फ़ोन, और मॉडल नंबर, IMEI एड्रेस और डेट, डेट जो भी हो आपने सेलेक्ट कर ली, और कमेंट्स, कमेंट्स कैसे कंडीशंस वगैरह या कुछ भी आप इसमें दे सकते हो, और लास्ट में आप सबमिट कर दोगे। और यहाँ पर आपकी वो आ रही है प्रोफाइल, लॉग आउट एंड एक्टिविटीज़, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको लॉग आउट करते हैं। पिक्चर